हेलो दोस्तों, पाठशाला डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोगों ने प्रीवियसली जो वर्क किया था, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको डील कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर में जाकर जो तो प्रीवियस वीडियो जो बने हुए हैं उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी आपको तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक और जो है टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड कर दिया गया है पटना हाईकोर्ट के लिए भी, ठीक है। और ये इसका जो है ये भी सारा पीडीएफ वगैरह आपको जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा बीपीएससी टीचिंग वाले ग्रुप वाले में, तो इसका टीचिंग का जो है टेलीग्राम चैनल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपने जैसा भी देखा हुआ है कि कैसे थोड़ा बहुत भी यहाँ से आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने ट्रिक से भी किया, कैसे याद रखते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अब बहुत सारी चीज़ों को तो ऐसे भी निकाल दिया गया है, लेकिन वैसे ही अभी आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने 100 वाले जो क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। तो किस 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 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बात करते हैं हम लोग बीपीएससी टीचर वाले वैकेंसी के लिए। बिहार आपको पुलिस वाले में काम आ जाएगा और बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो बीपीएससी टीचर वाले के लिए मेनली हम लोग ये करे हुए हैं क्योंकि इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड एक ये चीज़ आपको टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया था। चलिए बात करते हैं। तो हम लोग 100वां क्वेश्चन जो है 100वां क्वेश्चन था, इसमें क्या था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि क्या कहा था इस पर कि बॉम्बे में ही क्या होता है FTV, जो समझ लीजिए कि फैशन TV चलेगा, फैशन का लोग में जो क्रेज़ है तो वही होगा। तो फैशन के लिए क्या देखेंगे वहाँ पे, FTB देखेंगे। FTB F से हो गया बॉम्बे में, देखेंगे ना बॉम्बे में फैशन चेंज होता है, तो F से आपका हो गया यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं फिरोज शाह मेहता। और T से हो गया तैलियांग, KT तैलियांग। और B से हो गया बदरुद्दीन तैयब जी, यहाँ से बी से बदरुद्दीन तैयब जी, तो FTB से आपको याद हो गया। चलिए बात करते हैं 101 क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं भारतीय संघ, इसके IA जो है यहाँ पे, इसको IA अकेले बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको IAS कर दीजिए, ISA भी कर सकते हैं, ठीक है, ISA कर दीजिए, IAS पहले कर दीजिए, ठीक है। इस तरह आपको ध्यान में रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा नाम इसमें चर्चा में आता है वो होता है S, तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा कि IAS संस्थापक, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, S से सुरेंद्र नाथ बनर्जी, IAS, और एक S के बाद A भी हो जाता है, तो ISA भी याद रख लेंगे, कंप्लीट याद रखना है तो ISA याद रख लेंगे, ठीक है, ISA। तो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, कहाँ पे, तो आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि बनर्जी बोस ये कहाँ पे हैं, तो कोलकाता में है, तो कोलकाता में इसकी ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो ध्यान रखेंगे कब हुई थी, 1876 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब, ये देखिए, इस संस्थान ने सिविल सर्विसेज जो था उस प्रणाली में सुधार की मांग की थी, और एल्बर्ट जो बिल आया था, जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रख लेंगे, 1876 में बना हुआ था इंडियन एसोसिएशन। ISA याद रख लेंगे, ISA में S हो गया आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं 102 क्वेश्चन देख लेते हैं, 102। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थान थी, कौन थी, तो ये थी जो आपको राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व कौन सी संस्थान थी, तो अभी हम लोग जस्ट देखें यहाँ पे बंगाल ब्रिटिश इंडिया ये है सोसाइटी ईस्ट, जस्ट पूर्व बोल रहा है, जस्ट, ठीक है, से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थान कौन थी, तो यहीं पर हो गया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, वही जो आप लोगों ने बात की थी। 26 जुलाई 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ की स्थापना की, कलकत्ता में की थी। यह तत्कालिक राजनीतिक संस्थान में सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस ने पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्थान ने सिविल सेवा, हम लोगों ने इसको देख लिया है, ठीक है, सिविल सेवा के लिए, और यहाँ एल्बर्ट की बिल के विवाद को लेकर इन्होंने मामला उठाया था, आंदोलन किया था। 103 क्वेश्चन देख लेते हैं, 103 में है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज को हटाया था, को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, तो ये देख सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1874। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में हुई थी, में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, और यही मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था, ठीक है, कुछ मामूली भूल से के चलते वहाँ से इनको हटा दिया, तो वो लोग तो रहते ही थे ना प्रोग्रेसिव नेचर पे कि किसी को आराम से हटा लेंगे, ठीक है। बात करते हैं राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय राजा राम मोहन था। उन्होंने मानवाधिकार,
लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहला राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ विशेष इतिहासकार जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन के लिए प्रथम भारतीय मानते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल था ये, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसके ही चर्चा हुई, तो इसलिए यहाँ पे हाँ बीपीएससी ने इसी का आंसर मारा है, तो इसको ही आप ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय को। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये जस्ट पहले था INC के जस्ट पहले जो था मद्रास महाजन सभा, ठीक है। तो ये मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी 1884 में राघवाचारी सुब्रमण्यम और चारलू, ये तीन चीज़ आप याद रखेंगे। RSC याद रख लेंगे, RSC आपका टिकट RSC नहीं बोल के RSC हो गया है, ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये मद्रास का RSC है मद्रास का। तो अब याद करेंगे क्या, R से आपका हो गया राघवाचारी, S से हो गया आपका सुब्रमण्यम और C से हो गया चारलू, ये क्या हाँ महान मद्रास के, ठीक है। 1884 में इन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि किए थे, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको 72 थे, कहाँ पे, गोकुलदास वाला ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया होगा गोकुलदास तेजपाल। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओह्यूम के द्वारा की गई थी। एओह्यूम जो ऐसे अवकाश पत्र प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे, इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर, ये थोड़ा याद रख लेंगे क्योंकि अब ये चीज़ पूछा जा रहा है लगा है। देखिए लास्ट दिसंबर का चल रहा था, 28 दिसंबर 1885 तो सबको याद ही रहता है ना। एओह्यूम है वो भी लगभग सबको याद रहता है, ठीक है। तो यहाँ से 28 दिसंबर याद रख लीजिए बस, ठीक है। 28 दिसंबर स्थित कहाँ पे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज स्कूल जो है ना, वहाँ पर इसकी स्थापना वहाँ पर हुई थी, जिसमें 72 जो प्रतिनिधि मंडल थे वो लोग आए थे, 72 प्रतिनिधि आए थे यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने की थी, और इसके प्रथम महासचिव खुद कौन थे, एओह्यूम। तो महासचिव जो कहा जाएगा ना, तो वो एओह्यूम थे, और अध्यक्षता प्रेसिडेंट जो थे कौन थे, तो ये थे आपको WC बनर्जी, और अध्यक्षता किसके अंदर हुई थी, तो ये हुई थी एओह्यूम के। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष कब है, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो सबको जानते ही हैं 1885 में, ठीक है। ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो है ये याद रख सकते हैं, 72 प्रतिनिधि थे याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने की थी, तो एओह्यूम ने की थी, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर एओह्यूम फिर से आ गया है, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एक क्या थे, तो अभी हम लोगों ने देखा कि असैनिक सेवक थे, ठीक है, रिटायर्ड थे ना, असैनिक सेवक थे वो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वो हुआ था बॉम्बे में, मुंबई यहाँ लिखा हुआ बॉम्बे हुए हैं, वही चीज़ है, पुराना उसका नाम बम्बई, ठीक है, तो बम्बई में हुआ था, अब मुंबई हो गया है। 28 दिसंबर 1885 में तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, गोकुलदास संस्कृत तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत से आए थे, 21 जो थे मद्रास से थे, 3 सदस्य बंगाल से थे, 7 उत्तर प्रदेश से और एवं अवध से, तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। देखिए इस तरह का ब्रेकडाउन करके भी दिया हुआ है, तो आप बंगाल का हिसाब से याद रख सकते हैं 3 थे बस, ठीक है। चलिए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जो दूसरा हुआ था वो किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। दूसरा 86 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, पहला कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, और दूसरा उसके बाद से कहाँ हो गया था, कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन जो अलग अभी कर रहा था ऑपरेट, अब इन दोनों को मिला दिया गया, विलय हो गया। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, उनकी अध्यक्षता में ये चीज़ हुई थी। तो पूछा जा सकता है आपसे कि कितनी बार उन्होंने किया था पार्टिसिपेट, तो 3 बार उनको प्रेसिडेंटशिप मिली थी INC की। एक पहला मिला था 1886 में, जो कि दूसरी बार था,
उसके बाद 1893 में, उसके बाद 1906 में, याद रख लेंगे ठीक है। 636 ऐसे करके याद रख लेंगे, 636, 6 हो गया 86, 3 हो गया 93 और 6 हो गया 1906 ठीक है। 636 याद लेंगे। और ये कौन है? दादा भाई नरोजी। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ से देख सकते हैं महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये लगभग सब कोई जानते ही होंगे। तो ये है बेलगाम का जो है ना 1984 दिसंबर 1924 में, 84 बोल रहे हैं, बेलगाम में कांग्रेस के 39वें जो अधिवेशन हुआ था। तो ये देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी दे रहे हैं चाहे कुछ भी दे रहे हैं, 39वां था ठीक है, ये थोड़ा सा स्किप हो जाता है। तो 24वां तो लगभग 1924 लगभग सबको याद रहता है कि कौन है बेलगाम वाला, कौन सावा मतलब कौन सा था वो, तो 39th था, याद रखेंगे ठीक है। तो 39वां आपका संविधान बोल रहे हैं वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस का अध्यक्षता में, कांग्रेस का हाँ वार्षिक अधिवेशन था, अध्यक्षता किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। ये इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया था कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को बल दिया जाएगा ठीक है, गांधीदास समझौता अनुमोदित किया गया। चलिए ठीक है, इतना आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रथम भारतीय महिला, एक सेकंड, प्रथम भारतीय महिला है तो सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला रहती तो एनी बेसेंट। कब हुआ था तो एक याद रखेंगे, तो सरोजिनी नायडू आपकी कानपुर में, और ये है आपकी एक देखिए हाँ कवयित्री भी थी और राष्ट्रवादी नेत्री भी थी ठीक। तो ये 40वां था, देखिए ये 40वां था, कानपुर में हुआ था ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था ये देखिए पटना ही के बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर पटना ठीक है। तो कभी कभी यहाँ देखिए पटना दे दिया है, इसलिए इसी को एग्जैक्ट आपको लगाना था, तो बांकीपुर तो दे ही दिया है। तो 27वां जो अधिवेशन है ना आपको ध्यान रखना है बांकीपुर पटना में ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ये कब हुआ था, 1912 में, देखिए 1912 आपको याद आ गया, उसके बाद से 10 जोड़ दीजिए और तो आपके पास हो गया 1922। 1922 कहाँ पे हुआ था, गया का अधिवेशन हुआ था, कौन लीड किए थे आपके पास, तो चित्रंजन दास ने किया था। तो दोनों में 10 साल का गैप हो गया, 27 और ऐसे करके 37 37वां करके ऐसे करके आप देख लेंगे ठीक है। बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आर एन मधोलकर याद रखेंगे, मधोलकर पटना में कौन है, तो मधोलकर याद रखेंगे ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं आर एन मधोलकर और 1912 आपको याद हो गया 27वां था, और उसके बाद से 27वां के बाद 37वां कहाँ होगा, गया में। 1912 में पहला पटना हुआ, 1912 में पटना हुआ, उसके बाद 1922 में चित्रंजन दास गया में हुआ ठीक है। यहाँ पे कौन हो गए, 12 में मधोलकर। चलिए अब बात करते हैं पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये तो बहुत ही फेमस पुस्तक है किसकी, तो दादा भाई नौरोजी की है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह इन्होंने इसमें डिस्कस किया है ठीक है। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये कहा गया था सर सैयद अहमद के द्वारा ठीक है। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय सभा जो है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन बनाई, इसमें उन्होंने उद्देश्य में कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाने के लिए कहा था, इनको थोड़ा सा नहीं पड़ता था, रुकिए 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 एक सेकेंड, चलिए निष्फल बनाने के लिए और हाँ वो कांग्रेस से दूर रखना चाहते थे ठीक है। सैयद अहमद ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो किसने कहा था, तो सर सैयद अहमद खान ने बोला था। चलिए बात करते हैं 118वां क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी इससे शांतिप्रिय निधन की एक सहायक बनूं, के लिए इसका सहायक बनूं, कौन है, तो ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था ठीक है। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे
ख़त्म कर दिया किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। इनको लगता था कि हाँ आराम से ख़त्म तो हो ही जाएगा। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूँ, मतलब ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और मैं इसमें सहायक बनूँ, तो कर्जन ने कहा था, ठीक है। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ, एकदम मतलब काम करने योग्य इसको ना छोड़ूँ। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के मिलने से इनकार कर दिया था, ठीक है। देखिए अभी हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलिए ठीक है, इस वाले में हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं 119 क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, किसके में हुआ था? तो जो राय बहादुर और खान बहादुर है, लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिट्टन के कार्य में ही पारित हुआ था, लॉर्ड लिट्टन। तो देखिए लिट्टन को ही आप याद रखेंगे कि लोगों को थोड़ा आकर्षित करने के लिए इनको, जो हिंदू रूलर थे उनको कहा जाता था राय बहादुर, और जो मुस्लिम रूलर जहाँ पे हो गए उनको खान बहादुर करके अपने साथ मिलाने के लिए, उनको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए तो इन लोगों को जोड़ लेते थे, ठीक है। तो ये थे लिट्टन, याद रखेंगे। लिट्टन को लाइट आया, ये आइडिया आया कि यार कुछ तो करना है, तो ऐसे करके खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि बांटना शुरू कर दिए लोग। लिट्टन को हम लोग जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए, और ये ख़त्म वाला हुआ था रिपन के समय में, ठीक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ से थे? जितने भी नरमपंथी नेता जो थे वो थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी से, या पंजाब से, ये तो ऐसे ही, ठीक है। तो शहरी क्षेत्रों से थे, ठीक है, यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जो हैं, और दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमसा बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्र से संबंध रखते थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें से वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। इन्हीं लोगों का मतलब बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े हुए थे, ठीक है। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उसके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वह उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उन्हें उपचार का प्रयत्न करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था। अब बात करते हैं यहाँ पे तो कौन नहीं था उपग्रंथी, तो यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं, डी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो उदारवादी खेमे से संबंध रखते थे, वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है, ठीक है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे, और इन्होंने 1889 जो है ईस्वी में 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में मंच में राजनीति में भाग लिया, ठीक है। इसको चलो ध्यान रख लेंगे जो भी है। तो पहले जो कौन उपग्रंथी नहीं थे, तो आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक हो गए, मदन लाल हो गए, तो ये लोग थोड़ा अग्रेसिव थे, उधम सिंह भी अग्रेसिव, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं उपग्रंथी नहीं थे। चलो ठीक है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जो भारतीय सेवक हैं, सेवक समाज है, तो ये स्टार्ट किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट की थी। अच्छा, आप पुरानी मूवी बहुत सारे देखे होंगे, इसको सेवक से याद रख लेंगे, ठीक है, कि घर का जो सेवक रहता था जब पुरानी मूवी में, जो भी आप देखते होंगे, अरे गोपाल ये ला दो, अरे गोपाल ये ला दो, ऐसे करके देखते होंगे। तो आपको अगर नहीं याद होता है तो वहाँ से एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति में, ठीक है। तो इसको इससे रिलेट नहीं करेंगे, बस ये नहीं करके, बस इसको भी याद करने के परस्पर से, तो इनका ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो इनको प्रणाम, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो भारतीय सेवक समाज, कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो सेवक से याद कीजिएगा कि अच्छा, हम लोगों ने याद किया था कि सेवक को गोपाल से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक मंडल, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो सर्वेंट से भी याद रख लेंगे कि गोपाल, ठीक है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ऐसे है, एंड यहाँ पर दिया हुआ है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उल्टा है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। 1905 में पुणे में हुई थी, ये भी पूछा जाता है कहाँ हुई थी, तो पुणे में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल में नेवी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, एन एम जोशी और ये जो आपका पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, एच एन कुंजरू जिसको जिनको बोलते हैं, जैसे महान समाज सेवक पैदा किए, एम सी शीतलवेद, बी एन राव और अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात जो है प्रख्यात सदस्य रहे थे। तो नाम आपको समझ में आ रहा है ना कि कितना बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन हो जा रहा था। तो आपको सर्वेंट सोसाइटी इंडिया के जो है पहले कौन रहे, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उसकी स्थापना की थी पुणे में 1905 में, ये इंपॉर्टेंट है, नाम थोड़ा सा याद रख लेंगे, श्रीनिवास शास्त्री, देवधर, एन एम जोशी और पंडित एच एन कुंडरू, इतना कम से कम याद रख लेंगे। चलिए ठीक, अब बात करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो है देखिए रजनी पाम दत्त ने कहा था, रजनी पाम दत्त, तो आर पी दत्त करके इनका आता है शॉर्टकट में, जो हिस्टोरियन का नाम है आर पी दत्त आता है। 64वीं में ना बहुत सारे हिस्टोरियंस का लेकर रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा गया था, और ये सी डी पी ओ में भी बहुत सारे हिस्टोरियंस के रिगार्डिंग की किसने कहा है ऐसे करके पूछा हुआ है, ठीक है। तो आर पामी दत्त, जिसको आर पी दत्त अगर आप जानते होंगे तो आपको याद आ गया होगा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक जो है गठबंधन के बारे में यह कहा था, तो जब इनकी बुक वगैरह सबको आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन होगा, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ये आपको दिखाई तो दे ही रहा है कि लड़ भी रहे हैं, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उस समय था कि जो लड़ता भी था लेकिन बाद में सहयोग भी दे देता था कि चलिए आपकी बात मान लेते हैं, कौन है, INC, ये कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो ये किसने बताया था, आर पाम दत्त ने बताया था, रजनी पाम दत्त ने ये कहा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी और कहीं कहीं पे उससे लड़ती भी रहती थी, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्मपंथी के प्रभावाधीन आया, प्रभावाधीन कब आया, 1906 के बाद, वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल करके आपको याद होगा, तो एक तो ऐसे ही आपको याद हो गया तीनों नाम, ठीक है, लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष, ठीक है। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। तिलक लगा कर बोले कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो क्या तिलक लगा कर बोले, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलिए ठीक है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाना जाने लगा कब से, तो यहाँ देख सकते हैं इनको ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के कभी, इसमें ना ऑप्शन इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे इस वाले में कि शिवाजी जब क्या नाम है कि लोकमान्य तिलक, अच्छा रुक जाइए इसमें पहले देख लेते हैं, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड जो है ना उनकी हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया और तिलक को दोषी पाया और उन्हें 18 माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के तौर पे उभरे और उन्हें लोक जो है मान्य की उपाधि दी गई थी। तो इस घटना इस तरह किसी घटना की नहीं बल्कि एक राष्ट्रवादी कार्यों के चलते इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। लोग यहाँ पर इस वाले कम ऑप्शन में खूब चल रहा था कि हाँ इसी वाले ही में कि सरकार ने उन्हें रैंड मदर के अभियुक्त बनाया ना, तो उसमें लोगों ने बोला, तो लेकिन नहीं ऐसा तो नहीं था, तो वो इनके कार्यों के चलते इनको बोलना शुरू कर दिया लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, अरविंद घोष यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, दादा भाई नेहरू जी आपको नरमपंथ के थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नरमपंथ है, एस एन बनर्जी भी नरमपंथ के हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी, लेकिन डेट आपको याद रख लेना है 15 अगस्त, सब में कॉमन है, 1906 में हुई थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है ये कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी 15 अगस्त के दिन से, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 में रंगपुर में नेशनल स्कूल की स्थापना हुई,
और 16 नवंबर को 1905 में कलकत्ता में इसका सम्मेलन हुआ, और फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना कर दी गई कब, 15 अगस्त 1906 में। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरम तो आपको पता ही है, अभी हम लोग लाल बाल पाल पढ़ चुके हैं, तो बाल में क्या आ जाते हैं, तो लाल बाल पाल क्या थे, गरम दल के नेता थे, तो यहीं से आप छाड़ दीजिए इस आंसर को, बाकी सभी नेता जो हैं वो नरम दल के हैं, तो ऑप्शन हमें मिल गया। चलो ठीक है, 1929 में हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी क्या थी, तो ये देख सकते हैं बी जो ऑप्शन है आपका, राजा वामबद्ध जो आंदोलन चलाते थे, तो ये नरम पंथ ये लोग यूज़ करते थे, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं इंग्लिश में, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग मांगते थे ये लोग, और जनता राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना चाहते थे। ठीक है, तो ये अपना भागीदारी दे देंगे तो हम लोग का भी तो कुछ तो रहेगा ना इन्फ्लुएंस उसके अंदर, कि जो कानून बन रहा है तो उसमें हमारी भी भूमिका रहेगी, और इसमें वही राजनीतिक जागरूकता के लिए भी लोग तत्पर रहते थे, तो इनका वही था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इंग्लिश में, तो ये कांग्रेस लोगों की डिमांड रहती थी। शेरे पंजाब आपको पता है, लाला लाजपत राय जी को बोला जाता था। ठीक है, इनकी जो है इन लोग की जो लाठियों से जो प्रहार करके इनकी जो मृत्यु हुई थी 27 नवंबर 1928, ये डेट याद रख लेंगे। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, तो इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है। ठीक है, और लाहौर में सर इनकी हुई थी, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अभिनव भारत कौन सा है, कौन से संबंधित है, तो अभिनव भारत सावरकर, अभी जो अभिनव है इंसान, अभिनव भारत जो बना रहा है, तो साफ सुथरा सावरकर बनाएगा ना, अभिनव भारत तो सावरकर बनाएगा, तो सावरकर बना रहे हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1904 में नासिक में हुई थी, वी डी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर 1899 में मित्र मेला बनाए थे, और उसके बाद से 1904 में बनाया था उन्होंने अभिनव भारत, प्रवर्तित हो गया था यही गुटसभा। चलिए बात करते हैं मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो ये हुआ 1908 में। इसी में कौन कौन दोषी रहे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को यहाँ देखिए, ये परंतु देखिए किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन बम कहाँ चला गया, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया, और दुर्भाग्य से जो है राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाली मिस्टर कैनेडी की पत्नी जो है और उनकी पुत्री मारी गई। ठीक है, गलती से मतलब वो मारने के लिए गए, लेकिन ये लोग मारे गए, लेकिन ये लोग अच्छे में थे। ठीक है, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया कि पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली खुद से, और खुदीराम बोस को कर लिया गया गिरफ्तार, और इनको फांसी दे दी गई थी मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहाँ पूछा जाता है कि किसको मतलब फांसी दी गई थी, तो किसको दी गई थी, दोनों को नहीं दी गई थी, प्रफुल्ल चाकी खुद को अब मार लिए थे और खुदीराम बोस फंस गए थे, तो ये इनको फांसी चढ़ा दिया गया था। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, कौन सा नहीं था, तो यहाँ देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, इसके अतिरिक्त द हिंदू था, वहीं बात करते हैं, तो देखिए द हिंदू को हम लोग GS से याद रख सकते हैं, द हिंदू किसके लिए लोग पढ़ते हैं, ही अपना GS मजबूत करने के लिए, जीस। ठीक है, इसको अब इसको बताइए कि आंसर क्या होने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि हम क्या इसको बताने वाले थे। ठीक है, बंगाली की बात करते हैं, तो ये भी यहाँ राष्ट्रवादी है, द मराठा जो है मराठा, तो ये भी हमारा समाचार पत्र है, वो उसके लिए राष्ट्रवादी के लिए था, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। ठीक है, आयंगर है, चलिए इसको देख लीजिएगा क्या बोल रहे हैं, फिर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसका क्या हुआ, कौन इसके संस्थापक रहे, कौन स्टार्ट किया। ठीक है, क्रांतिकारी जो हैं गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो यंग इंडिया, बाकी देखिए संध्या हो गया, युगांतर हो गया, गदर हो गया, ये सब गदर मचाने वाला चीज़ है, लेकिन यंग इंडिया नॉर्मल थी। ठीक है, तो इसमें यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधि के साथ जुड़ी नहीं थी, यंग इंडिया पत्रिका संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी क्या थे, अहिंसावादी थे, तो वो नॉर्मल बातें यही सब लिखते रहते थे। ठीक है, अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, तो सोहन सिंह भकना थे, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम से संस्था चलाते थे, और इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था। ठीक है, और इसी के बाद गदर पार्टी भी बना था। ठीक, यहीं से सब देख सकते हैं। 135 उसको लास्ट करते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र हिंदू, देखिए अभी उसी का आ गया चर्चा, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक संपादकों के नाम बताइए। चलिए अब देखिए, अभी हम GS बताया था ना, GS वहीं आपको मिल जाएगा, देखिए GS अय्यर, ठीक है, GS अय्यर, अयंगर अय्यर, तो यहाँ हम लोग
अभी हम बोले थे कि हिंदू कौन, हिंदू जब पढ़ता है इंसान तो उसका टारगेट रहता है यार जीएस मजबूत हो जाए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है, यूपीएससी दे रहा है, तो जीएस से हम याद कर लेंगे हिंदू पढ़ने के लिए। वो लोग जीएस ज़रूर देखना चाहते हैं कि सही हो जाए मेरा। तो जीएस मतलब हो गया यहाँ से जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऐसा करके याद कर लेंगे। तो जी ये हो गया। केसरी किसने लिखा था? तो केसरी लिखा था आपको तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी और मराठा, केसरी लिखा था, मराठा लिखा था, ये दोनों बुक लिखी थी। केसरी जबकि मराठा में थी, या मराठा जो कि आपको किस में थी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और बंगाली आप देखिए, ये बंगाली है सूर्यनाथ बनर्जी, ठीक। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, ये पूछा जाता है। सुधारक बंगाली भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। सुधारक भी है तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 136वां देख ही लीजिए, चलिए 140 तक कर देते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? अभी हम लोगों ने देखा है इसका कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। फिर से आ गया 137, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके हैं मैडम भिखाजी कामा, ठीक है, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। कहीं कहीं यहाँ पे सिर्फ मैडम भिखाजी कामा लिखा रहता है, ठीक, यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैडम भिखाजी जो कामा हैं, 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टटगार्ड में फहराया था, स्टटगार्ड में, स्टटगार्ड ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है, इंग्लिश में स्टटगार्ड में फहराया था, ठीक। तो ये याद रख लेंगे, चलिए ठीक है। 140 लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया हाउस लंदन में बनाया जा रहा है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, याद रखेंगे। 1905 में लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने इंडियन हाउस की भी स्थापना की थी। तो दो नाम यहाँ से आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो भी हैं चैनल के साथ अगर नए आए हुए हैं तो पिछले जितने भी 4-5 वीडियो जो आ चुके हैं उनको जाकर देख लें। सभी के लिए डेडिकेटेड चैनल बना, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी आपको बना दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें चल रही हैं साथ में, जैसे कि आप पटना हाईकोर्ट वाले भी से जो है ग्रुप है मेंस के लिए, उसमें भी जुड़ सकते हैं। बिहार जो आपका हो गया टीचर वाला जॉब के लिए, ये वाला चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके लिए भी एक टेलीग्राम चैनल आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सारे जो PDF वगैरह है, जो सारे जो अभी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वाले जो वीडियो आने वाले हैं उसमें भी सारे चीज़ उसी में दिए जाएंगे। करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको भी करा दिया जाएगा, जो कि आपको BPSC में भी इंपॉर्टेंट होगा, बिहार पुलिस में भी इंपॉर्टेंट होगा, और बिहार के जो टीचर एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल के साथ बिल्कुल बने रहें, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।